कब्जा कर रखा था और तमाम तरीके के गतिविधियां यहां चलती थी, जिससे यहां से लोग निकलने में भी दिक्कत होती थी। मैं विधायक बना तो मैंने उप मुख्यमंत्री साहब से बात की, शिक्षा विभाग से बात की, बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने तुरंत इस पर त्वरित कार्रवाई की और आज आपके सामने यहाँ पे वो कह के गए हैं एक मॉडल स्कूल, एक स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप का छोटा सा हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जिसमें यहाँ के बच्चों को सुविधा मिलेगी। सर अगला टारगेट है कोई इस तरह का? ये सब टारगेट बताए नहीं जाते, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो भूमाफिया है वो भी बहुत तत्पर है, एक्टिव है, और जब कुछ चीज़ें न्यायालय के अधीन आ जाती है उसको दिक्कत होती है। तो उस पर मैं आपको अगले में भी ऐसे उद्घाटन मिलेंगे आपसे जल्दी। विधायक जी क्या क्या यहाँ पर सुविधा दी जाएगी बच्चों के लिए? आपको बताया लगभग जो है 2500 बच्चों का स्कूल बनेगा, सुबह शाम का अगर सिर्फ 5000 बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, स्विमिंग पूल बनेगा, क्योंकि और सबसे बड़ी बात आसपास कोई अच्छा सा खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है जिस पर बच्चे जाकर खेल सकें, उनके लिए भी शारीरिक विकास के लिए भी यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ किया जाए। कितने एकड़ का है सर ये? लगभग 3 एकड़ का प्लॉट। ठीक, थैंक यू। जी मैम, ये सागरपुर की धरती पे जो है मनीष सिसोदिया अभी थोड़ी देर में आए थे, क्या तोहफा दे के गए हैं? ये तोहफा एक ऐसा तोहफा है जो हजारों लाखों बच्चों की लाइफ बदलने वाली है, उनके परिवार की लाइफ बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक स्कूल की नींव रखी गई है, शिक्षा का मंदिर जिसे कहा जाता है, माँ सरस्वती का मंदिर, और एजुकेशन आप सभी जानते हैं, हम सब इस चीज़ से वाकिफ हैं कि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, वो बच्चा अगर पढ़ लेता है तो उसका परिवार आगे बढ़ता है, परिवार आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसका समाज, उसका देश आगे बढ़ता है। और ये जो आज जो नींव रखी गई है, यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स टाइप का भी होगा, बच्चों को स्पोर्ट्स फैसिलिटी होगी, स्विमिंग पूल होगा, तो इसमें क्या है कि ऑल एंड डेवलपमेंट बच्चों को यहीं पर मिलेगी। ये द्वारका विधानसभा के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मूवमेंट है जो हमेशा याद रखा जाएगा। आज हम सभी जितने भी लोग यहाँ पर आए इस चीज़ के गवाह बने हैं कि जो नींव रखी गई है श्री मनीष सिसोदिया जी द्वारा, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। पूरी दिल्ली में आप देख ही रहे हैं एजुकेशन के ऊपर कितना वर्क किया जा रहा है, दैट इज़ द रीज़न वाई कि दिल्ली नंबर 1 आती जा रही है, और जो रोड मॉडल जो है जो स्कूल्स का है वो इंटरनेशनल लेवल तक गया है, वर्ल्ड वाइड उनकी जो है ना इस चीज़ की पॉपुलैरिटी हो रही है कि एजुकेशन बहुत अच्छी है। और हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा जो दिया गया है भाई विनय मिश्रा जी ने दिया है, हम सब बहुत बहुत ज़्यादा थैंकफुल है इस चीज़ के। और बता दूँ कि मैं टीम एजुकेशन से बिलोंग करती हूँ, सागरपुर SKV 1 के 2 के GVSS 1 जो मॉर्निंग इवनिंग की मैं वार्ड कोऑर्डिनेटर भी हूँ, तो एजुकेशन में हम खुद देखते हैं ग्राउंड लेवल पर कि क्या क्या काम हो रहा है, जो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है बच्चों की वो पूरी की जाएगी। और आप देख सकते हैं एजुकेशन इज़ फॉर ऑल, राइट टू एजुकेशन, ये सब चीज़ को फुलफिल करते हैं। यहाँ पर करीब 5000 तक बच्चे अगर पढ़ते हैं यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य एक सुधरेगा, एक अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा स्कूल की वजह से। जी मैम आपका परिचय? जी मैं सिमी यादव हूँ, मैंने यहाँ से निगम का चुनाव भी लड़ा था पिछली बार, और अब मैं वार्ड 32 SA हूँ मैं, और अब फिलहाल मैं टीम एजुकेशन के साथ कनेक्टेड हूँ, SMC में वार्ड कोऑर्डिनेटर हूँ, 4 स्कूल्स आते हैं हमारे जो द्वारका विधानसभा की वार्ड 32 SA, उसके 4 स्कूल्स आते हैं SKV 1, SKV 2, GVSS 1 एंड GVSS 2, इन सब में वार्ड कोऑर्डिनेटर हूँ, सोशल वर्कर। थैंक यू। स्वागत मिली है, क्या कहेंगे आप इस मौके पर? सर आज ये ऐतिहासिक पल है द्वारका विधानसभा के लिए, पिछले कुछ दिनों से विनय मिश्रा हमारे विधायक बड़े भाई बहुत कार्यरत थे, उनके अथक प्रयासों से और शिक्षा निदेशालय द्वारा उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के प्रयासों से आज द्वारका विधानसभा को बहुत बड़ी सौगात मिली है। एक सरस्वती विद्या का मंदिर द्वारका विधानसभा में निर्माण होने जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लोग रात से ही इंतजार कर रहे थे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, और ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है हमारी विधानसभा। सर मॉडर्न स्कूल बन रहा है, कहते हैं कि जब एक स्कूल खुलता है तो एक जेल बंद होती है, आप खुद शिक्षा से जुड़े रहे क्षेत्र से, क्या मान रहे हैं कि इसे पर्याप्त है या इस तरह के और स्कूलों की जरूरत है? देखिए आजकल शिक्षा का विस्तार तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला समय शिक्षा का युग है और हमें बहुत आवश्यकता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन लोगों की मांग बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, अनिवार्य है स्कूल, तो ये एक द्वारका विधानसभा मॉडर्न स्कूल बनने जा रहा है, ये बहुत अच्छा है शिक्षा क्रांति के। ये कितने एकड़ में है जमीन? ये 3 एकड़ लैंड है, 3 एकड़ लैंड में ये स्कूल बनने जा रहा है। इसमें मॉडर्न स्कूल के अंतर्गत एक स्विमिंग पूल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का भी प्रावधान है, जैसा कि अभी उप मुख्यमंत्री जी ने बताया आपको।